इल की जो लेंथ दी हुई है हमको वो जीरो पॉइंट वन टू मीटर दी है विथ जो है हमको जीरो पॉइंट वन मीटर दी हुई है तो एक साइड टू जीरो में जो करंट है वो टू एमपीयर का गिवन है और कॉयल एक रीजन में रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जीरो पॉइंट टू वीबर पर मीटर स्क्वायर कॉयल में टर्न्स हैं फिफ्टी ठीक है, है? अब कॉयल में लगने वाला टॉर्क कुछ क्योंकि जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस उसपे टॉर्क लगेगा सपोज करता हूं कि ये एक कॉल है ठीक है अब इस पर टॉर्क लगता है ये मैग्नेटिक फील्ड में हम मान लेते हैं कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं चाहता हूं कि ये ना घूमे तो मैं क्या करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क लगाऊं तो ये घूमेगा ही नहीं वही क्वेश्चन यहाँ पे तो क्वेश्चन ने हमको एक एंगल दिया हुआ प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइन एट थर्टी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो ये है और ये जो कॉइल का प्लेन है ना ये प्लेन है ये प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रही है फील्ड तो ये फील्ड है और ये कॉइल का प्लेन है तो प्लेन जो है वो थर्टी डिग्री बना रहा है तो टॉर्क निकालना है है अपन को टॉर्क टॉर्क का होता ऑन अ निकाल रहे और सर्कुलर कॉयल एनी क्लोज कॉइल कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल इज करंट कैरिंग तो कोई भी करंट कैरिंग क्लोज कॉयल में जो टॉर्क लगता है इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय बायूला टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा

थीटा की जगह आएगा 60 डिग्री ये इंपॉर्टेंट है थीटा किस किसके बीच का एंगल है मैंने आपको भी बताया था थीटा M और B के बीच का एंगल है है अब B कहां है? ये रहा मैग्नेटिकट मैग्नेटिक फील्ड इधर है M कहां है 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 होता होता क्या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक वैक्टर क्वान्टिटी है और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी राइट right हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे थम मैग्नेटिक डायपोल डायपोलेंट की डायरेक्शन देगा तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेटेस से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिकट की डायरेक्शन होगी बाहर की की तरफ तो मैग्नेटिक डायपोल डायरेक्शन हो जाएगी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो इधर हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो मैग्नेटिक डायपोल डायपोलमेंट की डायरेक्शन ये है ठीक है ना एम वैक्टर की डायरेक्शन ये है बी वैक्टर की डायरेक्शन ये है एंगल मेरे को इन दोनों के बीच का चाहिए आ रही बात समझ में तो इन दोनों के बीच का एंगल क्योंकि ये पूरा का पूरा नाइन्टी डिग्री होगा तो ये वाला एंगल आपका सिक्सटी डिग्री हो जाएगा मैं यहाँ से बताता हूँ आपको ये ये वाला जो एंगल आपका बनेगा ये सिक्सटी डिग्री होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा नाइन्टी डिग्री है ठीक है ना तो ये बचा हुआ आपका सिक्सटी डिग्री हो जाएगा तो एम और बी के बीच का एंगल आपका सिक्सटी डिग्री बनेगा इसमें अगर आप करंट की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन ना मान के आप करंट की डायरेक्शन ऐसे मान लें तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो अभी भी आपका ये थर्टी डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका अभी भी सिक्सटी डिग्री एंगल ही बनेगा ठीक है ना तो साइन यहाँ पे सिक्सटी आएगा थैंक यू